गल सुन मेरी, एक मुंडा आया कनेडा तो। मेरे नाल गल करा दो उस मुंडे दी। तू कनेडा जाना है? जाना है कनेडे। कनेडा का मुल्क सारे वर्ल्ड च नहीं है। पति परमेश्वर मनिया है, हुन ता जो मर्जी हो जाए मैं तो तुहाडे नाल ही रहूंगी। खास करके वैंकूवर शहर स्वर्ग आ धरती ते। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੌਰੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਗੋਲਡਨ ਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਰਾ ਮੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਨਵੀਸ ਕਾ ਵਾਰਮ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ? ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਐਵਰੀ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀਜ ਐਂਡ ਟੂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਦੇਅਰ। ਤੋ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੂਵੀ ਜੋ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ 31st ਕੋ, ਮੀ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਤੋ ਪੋਸਟਰ ਮੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਡੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਆਪ ਉਸਮੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਆਪਕੋ ਮਿਲਵਾਤੇ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੇ ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟਰ ਸੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮਸੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। Thank you very much. So how are you? I'm very well, thank you. Sir, first of all, we want your intro in your words. Please introduce yourself. मैं हिंदी में बात करूँगा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पंजाबी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं हिंदी। मैं फिर पंजाबी फिल्म पंजाबी ची गल करूँगा। मैं संजीव चांजी, कनेडियन एक्टर, और मैं जगराओं तो बिलोंग कर रहा, जरा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना मेरा पैदा है। सर बेसिकली अभी आप यहीं पर सेटल डाउन है? नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रहता हूँ, मैं वैंकूवर में, कनाडा में। और कह सकते हैं कि वैंकूवर में रहने के बाद आपके माइंड में थॉट आया कि इस टाइप की मूवी आपने प्रोड्यूस करनी है? हाँ, क्योंकि आजकल कॉमेडी का दौर चल रहा है और मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है एज ए रोमांटिक एक्टर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैंने कहा कि रोम कॉम का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, तो तब जाके मैंने ये प्रोजेक्ट लिखा। सर कितना टाइम हो गया आपको वैसे राइट, मतलब जैसे आप मूवीज़ लिखते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, कितना टाइम हो गया? मुझे 13 साल हो गया इस फिल्म इंडस्ट्री में। 13 साल हो गया। हमने सुना है आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में 20 से पहले वर्कआउट कर चुके हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ आप शेयर कीजिए कि कौन सी मूवी में आप आ चुके हैं पहले। मैंने शुरुआत अपने कैरियर की बॉलीवुड से ही की है। okay. और हमारा प्रोजेक्ट रिलीज़ होने वाला है अभी, बुजदिल के टाइटल के अंडर आ रहा है। सर अभी आप जैसे बॉलीवुड में भी आप अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, यहाँ पे भी आप दिखाने जा रहे हैं, तो आपको कितना डिफरेंस फील होता है बॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री में? बहुत बड़ा डिफरेंस है। किस टाइप का? टेक्निकली और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो पंजाबी इंडस्ट्री में वो नहीं। तो बॉलीवुड में आप कितना हाई लेवल मानते हैं? मैंने उन दिग्गजों के साथ काम किया है पहली फिल्म में जिनको सारे के सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको लगता है किस चीज़ की अभी मतलब कमी है, क्या लैक, किस चीज़ से लैक करती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? हम लोग बातों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, काम में कम करते हैं। तो सर इस मूवी के बारे में प्लीज़ आप कुछ बताइए कि किस टाइप की मूवी है ये? एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसमें दिखाया गया है कि एक बच्चा जो बचपन में कैनेडा चला जाता है और उसका वहाँ पर कोई नहीं, अपने आप को इस्टेब्लिश करके वो डॉक्टरेट डिग्री तक ले जाता है वो, और अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट कर रहा है पंजाब में। तो जब बचपन में उसको सपोर्ट किया था फैमिली ने, अभी उसकी बारी है सपोर्ट करने की। आपका किस टाइप का रोल है? मैं इसमें डॉक्टर बहल का रोल प्ले कर रहा हूँ एज ए कैनेडियन डॉक्टर। तो इस मूवी की शूटिंग मोस्टली कैनेडा में हुई है या पंजाब में? इसकी शूटिंग हम लोगों ने पंजाब में की है, चंडीगढ़ में की है, पठानकोट की है और वैंकूवर कैनेडा में की है। मूवी से स्पेशली मैसेज क्या मिलेगा लोगों को, यहाँ के लोगों को? जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो पोस्टर रिलीज है उसमें हम देख रहे हैं कि एक पूरा ग्रुप रेडी है कनाडा जाने के लिए, तो स्पेशली आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि हमने यहाँ स्टडी नहीं करनी, बाहर जाना है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके दो मैसेज हैं। पहले तो मैं आपको फ़नी वन बता देता हूँ कि पंजाबी लोग बहुत जगाड़ू होते हैं, जैसे आपने बोला कि सब लोग सामान बांध के बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये दिखाया कि पूरे का पूरा पंजाब बाहर जाना चाहता है। वो जुगाड़ लगाते रहते हैं कि हम लोग कनाडा कैसे पहुंच जाएं। तो इस फिल्म को आइए May 31st को देखिए, हम आपको एक नया तरीका बताएंगे कि कैसे आपको कनाडा में जाना है। ये तो एक पहलू है उसका।
जैसे आप खुद वहाँ के रेजिडेंट हैं, वहाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप है जो यहाँ की रेशो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे वहाँ जाने के लिए, तो आपको लगता है कि वो रेशो आगे इंक्रीज होनी चाहिए या आपको लगता है कि इंडिया में भी काफ़ी स्कोप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, जब तक आपके रूट्स स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कहीं भी जाओगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इंडिया में रह के अपने रूट्स पहले स्ट्रांग करो, उसके बाद आप अगर मूव करते हो किसी भी कंट्री में तो आपको इतनी मुश्किलें का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, इस मूवी में आपके साथ जो स्टार कास्ट जितनी भी है, वो आपने सारी स्टार कास्ट नहीं ली है या वो पहले भी किसी मूवीज़ में आ चुके हैं? नहीं, कुछ एक्टर्स जो हैं हमारे वो पहले भी आ चुके हैं काम में, जैसे मेरे साथ 5 लड़कियां काम कर रही हैं, उनमें से 2 लड़कियों ने पहले काम किया हुआ है पंजाबी इंडस्ट्री में, और उसके अलावा हमारे करेक्टर आर्टिस्ट गुरप्रीत कौर भंगू जी हैं, और उसके बाद सुरेंद्र छिंदा जी हैं, सरबजीत मांगट है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं सारे। कितना टाइम लगा इस मूवी को कंप्लीट होने में? देखिए, कोई भी फिल्म जो हम लोग, इसे कैनेडियन प्रोडक्शन, तो हॉलीवुड का हमारा कॉम्बिनेशन है बॉलीवुड के साथ, तो कोई भी फिल्म हम लोग साल और 1.5 साल से कम प्री प्रोडक्शन नहीं होता उसका, और उसके बाद कम से कम 6 से 8 महीने हमारी प्रोडक्शन को लगते हैं और 4 महीने हमारी प्रोडक्शन को लगते हैं, कम से कम आप बता लो कि 2 साल का टाइम तो कम से कम लग जाता है। सर, अभी हमने जैसे नोट में पढ़ा, उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की कि उसमें लिखा हुआ है कि ये मूवी पंजाबी इंडस्ट्री को कहीं हायर लेवल पे लेके जाएगी, तो उस बारे में आप कैसे, आपको लगा कि? पहले तो टेक्निकली हम लोग बहुत वीक हैं जो जहाँ की पंजाबी फिल्में बन रही हैं, तो फ्रॉम टेक्निकल आस्पेक्ट हमारी पूरी की पूरी पोस्ट प्रोडक्शन जो है कनाडा और US में हुई है इस फिल्म की। बेस्ट टू बेस्ट टेक्निकल टीम है हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। और दूसरा, म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ की पंजाब की, उनका कुछ अलग लेवल है। तो मैंने कोलकाता से हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर हैं, जो लीडिंग सिंगर है वहाँ के, चरण सिंह सेखो जी, तो उनको मैंने पंजाबी फिल्म में इंट्रोड्यूस किया है, और उनके साथ एक बंगाली लड़की सिंगर है को आर्टिस्ट उनकी, जिसने पहली बार पंजाबी गाना गाया, तो बंगाल को मैं पंजाब में ला रहा हूँ। वेरी गुड सर, तो आपको इतना कुछ, आप राइटर हैं, प्रोड्यूसर, एक्टर, तो इतना कुछ बैलेंस कैसे करते हैं अपनी लाइफ में? आई एम हैविंग फन। जो आप अपना वर्क करते हैं उसको फन की तरह लेते हैं? फन की तरह लेते हैं, और टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, इस मूवी में आपने खुद कॉमेडी रोल प्ले किया है या जो करेक्टर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे कॉमेडी करते हुए? मेरा ख्याल जितने करेक्टर्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग मी, सब लोग कॉमेडी में देखेंगे आपको। एक डायलॉग कोई सुना दीजिए ताकि हम लोग भी ऑन सेट थोड़ा सा हंस सकें। तो एक लड़की थी, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, बोलती कि, उसको बोला कि आप बाहर जाती हो, मैंने पूछा उसको जब इंटरव्यू कर रहा था शादी के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ। तो मैंने कहा जूस पी लो, बोलती ना 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 ना, मैं जूस नहीं पीऊँगी, इसमें कोई मिला देगा कुछ तो। मैंने कहा जूस में क्या रखा है? तो उसने कहा पता नहीं, अगर कुछ मिला दिया तो। तो अगले दिन जब मुझे वो मिलती है तो सीधी डायरेक्ट एंट्री उसकी पब में होती है। तो इससे कॉन्ट्रास्ट ऑफ द करेक्टर, तो मुझे बहुत सरप्राइज लगता है कि पंजाब की लड़कियां कहती कुछ है और करती कुछ है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने बंगाल की सिंगर को एक इंट्रोड्यूस किया, तो हम कह सकते हैं आपने इंडिया के कलर्स को इंट्रोड्यूस किया स्पेशली इस मूवी। सो जैसे कैनेडियन जो है, कैनेडा जो है मल्टी कल्चर कंट्री कहा जाता है, जैसे मैं पंजाबी इंडस्ट्री में भी मल्टी कल्चर लेके आ रहा हूँ। वेरी गुड सर, तो एक हम लास्ट में चाहेंगे कि आप क्या अपील करना चाहेंगे लुधियानवीज के, क्योंकि लुधियानवीज तो स्पेशली फॉन्ड है बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे कॉमेडी आए, तो आप एक अपीलिंग मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं खुद लुधियाना से हूँ और मैं चाहता हूँ कि भरपूर आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे पास आएँ, May 31st को हमारी फिल्म देखें। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छी कॉमेडी हम लोगों ने बनाई है, और आपको एक रोमांटिक एक्टर भी मिलेगा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, जिसकी कमी है। तो मैं सबको हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ कि आप May 31st को हमारी फ़िल्म को देखिए और फिर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये फ़िल्म कैसी लगी। एक लास्ट में हमने आपसे पहले भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो हमने बताया यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं बाहर जाने के लिए, तो हम चाहते हैं उनको एक स्पेशल मैसेज आप दीजिए कि एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को फॉलो करके बाहर जाने की जिद एक वो छोड़ सके, शायद आप एक मैसेज दे सकें। देखो, मैं चाहता हूँ अगर आपको बाहर जाना भी है तो एक लीगल वे में जाइए आप, और ये फिल्म आपको हेल्प करेगी कि लीगल वे कैसे है। थैंक
यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ अपकमिंग मूवी जो आने वाली है मी एंड मिस्टर कैनेडियन के स्टार एक्टर एंड राइटर मिस्टर संजीव झांझी जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के यंगस्टर्स को, कि जो लोग एक दूसरे को फॉलो करके कैनेडा जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा उन्हें एक लीगल वे में जाना चाहिए अगर वो जाना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके। और उन्होंने एक बहुत अच्छा अपीलिंग मैसेज भी दिया लुधियानवीज को कि उनकी मूवी जो रिलीज़ होने जा रही है 31st को, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। इस मूवी में आपको बहुत कॉमेडी देखने को मिलेगी और कॉमेडी के साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा कैनेडा एंड इंडिया के रिलेशंस को लेके। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पस्त्रीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।